बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है और ईडी से इस नोटिस को वापस लेने की मांग की है। ये खबर आप देख रहे हैं, आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि नोटिस जो है वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है और ईडी से इस नोटिस को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली का कथित शराब घोटाला मामला, इसमें किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं, लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया था सुनवाई के लिए, लेकिन उन सबके बीच मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। मानव, जवाब दिया गया और जवाब में ये कहा गया कि ये तो राजनीति से प्रेरित है, अब जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर सस्पेंस। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, जब भी आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता इससे पहले सीबीआई या ईडी की पूछताछ के लिए गया है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सड़कों पर देखने को मिलता है। तो ये कयास लगाए जा रहे थे पहले से कि शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 बजे ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश ना हो, लेकिन अब जो जवाब अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखित में भेजा है, जो समन ईडी ने उनको आज के लिए भेजा था 2 नवंबर के लिए, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो समन आपने भेजा है, जो नोटिस आपने मुझे भेजा है, वो राजनीति से प्रेरित है और ईडी अपना नोटिस वापस ले। तो अब इससे कहीं ना कहीं संभावना जो थी वो स्पष्ट हो चुकी है कि शायद मुख्यमंत्री केजरीवाल अब आज ईडी के सामने पेश ना हो। हालांकि ऐसे पहले भी कई बार देखा गया है कि 2 से 3 समन तक राजनेता बड़े बड़ी हस्तियां ईडी के सामने पेश नहीं होती हैं, तो उसके बाद फाइनल जब नोटिस आता तब लोग पेश होते हैं। तो आज उनकी पेशी को लेकर जो संशय था वो कहीं ना कहीं अब साफ हो चुका है कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि शायद अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश में दौरे थे, 2 नवंबर से लेके 5 नवंबर के बीच में कई सारे दौरे थे, तो पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम है चुनावी कार्यक्रम, उसमें शामिल होना भी अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होना चाहते हैं, शायद इसलिए भी वो सामने हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मानव आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संकेत मिल रहे हैं कि शायद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश न हों।